और एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट अभी हुआ और यहाँ पर रोड जाम हो चुका है। फिलहाल एक बड़ा ही भयंकर सा एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ और अभी भी उस व्यक्ति को यहाँ से ले जाया जा रहा है। फिलहाल एम्बुलेंस में तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अभी अभी ट्रक जो है वो इसके ऊपर से गुजर गया, अभी एम्बुलेंस में है और फिलहाल ये देख सकते हैं बहुत बड़ी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। मामला क्या है, जैसे ही मुझे अभी कन्फर्मेशन मिली मैं यहाँ पर पहुँचा और एक एक्सीडेंट हुआ है और एम्बुलेंस जो है अभी उस व्यक्ति को लेके जा रही है पास ही लगते गांव आने नगर में। आने की घटना और अभी भी शायद भैंस जा रही है और किसी ट्रैक्टर ड्राइवर को लेकर के भैंस जा रही है और फिलहाल तस्वीरें इस समय देख सकते हैं और ये तस्वीरें इस समय आप लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर अभी पूरी घटना की जानकारी मैं आपको जरूर दे पाऊँगा कुछ ही मिनटों में और क्या हुआ है वो मुझे अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी इतना पता कि एक व्यक्ति के ऊपर से एक ट्रक गुजर जाता है और एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके मिलते ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और लाइव तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा हूँ लगातार। क्या हुआ था, गाड़ी बस वाले ने कर दी मेरी खराब यार, बहुत भारी देकर टक्कर। अभी आपकी गाड़ी में? हाँ मेरी गाड़ी में। सभी एक्सीडेंट हुआ था, अभी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, अभी कोई शायद एक एक्सीडेंट और हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी तस्वीरें इस समय दिखा दूँ आपको। लाइव तस्वीरें लगातार दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरा आर्य नगर जो है वो बस स्टैंड के आसपास यहाँ पर इकट्ठा है और जहाँ जानकारी फिलहाल लेने की कोशिश करूँगा। अभी लाइव तस्वीरों में आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ और एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जो है यहाँ पर चपेट में आया हुआ है, अब बातचीत जरूर करूँगा। देख सकते हैं फिलहाल अभी लोग खड़े नजर आ रहे हैं कि आसपास में एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ था भाई साहब, आपने देखा था क्या, किसी ने देखा क्या हुआ था भाई साहब? क्या ट्रक से हुआ वो व्यक्ति है अभी या सिर के ऊपर से ट्रक टपा यहीं की, तो ट्रक स्पीड में था ट्रक भाग गया या भाग गया वो आगे खड़ा करके चल गया, वो बाईपास के पास, बाईपास के पास खड़ा करके भाग गया ड्राइवर, मतलब फुल स्पीड में था ट्रक, फुल स्पीड में यहाँ और भी बच गए, काफी ब्रेकर नहीं आ गया है। अच्छा वहाँ का तो फुल स्पीड है, वो पीछे से स्पीड आया किसी ने देख के, मतलब पता नहीं व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है कहाँ से है वो, कुछ पता चला? आर्य नगर से ही है। कितने साल का था? आगे जाके ट्रक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? गांव के अंदर ही तेजी से गया था। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? यहाँ पे, ये सरपंच के चाचा है जो गांव के, क्या नाम है सरपंच? सरपंच है उसके चाचा, क्या नाम है सरपंच? रतन सरपंच का बाप है ये चाचा है, चाचा है भूला राम। तो फिलहाल अभी यहाँ पर अभी मिट्टी जो है ना कूल पे डाली गई है, फिलहाल तस्वीर इस समय दिखा दूँ और देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी जो है ना कूल पे डाली गई है अभी। और मैं ज़्यादा नज़दीक की तस्वीरें आपको भी दिखाने वाला हूँ नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट जो अभी हुआ और जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैं यहाँ पर पहुँचा और लेकिन वो ट्रक वाला जो है ना वो थोड़ी सी आगे मुझे एक ट्रक जब पुलिस ने रोका भी हुआ था अभी जब मैं आ रहा था तो तब भी मैंने देखा था और एक व्यक्ति यहाँ पर जो सरपंच के चाचा बताया जा रहे हैं और तस्वीरें इस समय देखते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर है और आगे 112 की टीम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 112 की टीम शायद हमें कुछ जानकारी दे पाए, यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं मौके पर भीड़ जमा है और 112 की टीम भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। ट्रक यहाँ से आता है आर्यनगर से, सरपंच के जो चाचा थे उन्हें रगड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है और एक और मामला क्या लगे तो क्या हुआ था बता पाएंगे बदल जी? आपने देखा था? पूरा ज्यादा नहीं पता, एक बाइक था। अच्छा कोई गाड़ी है ट्रक वाला वो बता रहे हैं। अच्छा बाइक पे थे जो व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई है, सो ऊपर से टप गए, ऊपर से टप गए, बहुत खतरनाक हो रहा है हादसा, और सब तो नहीं बता सकते। चलिए तो फिलहाल 112 की टीम यहाँ पर। भाई साहब ट्रक पकड़ा गया? ट्रक नहीं पकड़ा गया, कह रहे थे बाईपास से पकड़ा गया ना, अभी तो वैसे जा रहे वो आई वाला अपना। अच्छा आई वाला फिलहाल आई यहाँ पर आ चुका और जहाँ पर वो खून था 112 की टीम फिलहाल आपको यहाँ पर नजर आएगी। ट्रक शायद आइए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फिलहाल तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें जो है आर्य नगर के एक व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से 70 साल बताई जा रही थी, सरपंच के चाचा बताए जा रहे थे और उन बाइक पर वो जा रहे थे और अचानक से ट्रक जो है वो उसके ऊपर से गुजर जाता है और देख सकते हैं पुलिस गाँव के लोग अभी यहाँ पर है और काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और तस्वीरें इस समय देख सकते हैं और यहाँ पर पुलिस भी मौके पर फिलहाल अभी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं और आसपास में लगातार चर्चाएं अभी भी यही है, लेकिन ट्रक जो है वो यहाँ से निकल जाता है और ट्रक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी किसी की रोकने की हिम्मत उस समय नहीं हुई क्योंकि एक व्यक्ति को उतर तक रगड़ चुका था और तस्वीरें इस समय लगातार लाइव दिखा रहा हूँ आपको। आर्यनगर में फिलहाल अभी माहौल जो है, लेकिन अभी एक दो दिन पहले भी ये बात हो रही थी कि शायद 9/11 के अंदर से भी सेक्टर 9/11 के अंदर ट्रकों की आवाजाही बंद कराई जाएगी, जो बहुत स्पीड से यहाँ पर ट्रक गुजरा
अब ट्रक पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया ये तो भी पता नहीं, लेकिन सामने तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। और शायद चौकी जो है वो बाल समझ चौकी शायद मेरे अंदाजे से ये लगने वाली है, मेरे अंदाजे से बाल समझ चौकी ये लगने वाली है। और पुलिस से जो यहाँ पर सज्जन उनसे बातचीत कर पाएंगे। भाई साहब ट्रक पकड़ा गया, ट्रक पकड़ा गया नहीं, पीछे गाड़ी हमारी। अच्छा वहाँ अब किस साइड में गया ट्रक, कुछ पता चल पाया? फिलहाल अभी देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी जो है वो ढंग से जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं तस्वीरों में, समय देख सकते हैं। और जाम तो खुला हुआ है लेकिन पब्लिक तो आक्रोशित होगी होगी, पब्लिक अब किसी गांव से कोई व्यक्ति मारा गया है तो पब्लिक का आक्रोशित होना बनता ही है। और तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं पुलिस कर्मचारी जो है वो पब्लिक को यहाँ से खदेड़ने में लगे हैं, लेकिन उस ट्रक को पकड़ने का काम अभी शायद पूरा नहीं हो पाया है।